इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में बेशकीमती मकान पर अवैध कब्जा होने और अलसी मकान मालिक को धमकाने का मामला सामने आया है। सहयोग नगर की रहने वाली पीड़िता ने मीडिया के सामने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता किरण उर्फ नीलोफर ने बताया कि करीब 16 साल से उनके मकान पर किराएदार द्वारा किए कब्जे को लेकर वह परेशान है, जहां कैलाश ठाकुर और उनके अन्य साथियों द्वारा लाखों की कीमत रखने वाले 3 से 4 मंजिला मकान पर कब्जा कर रखा है। नीलोफर के मुताबिक मामले में एमआईजी थाने में रिपोर्ट दर्ज भी हुई है। पीड़िता ने कहा कि उसे आए दिन जान से मारने की धमकियां मिल रही है। नीलोफर ने कहा कि नेहरू नगर में उसके नाना जी करण सिंह का मकान है, जहां कैलाश ठाकुर व उसके साथियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जा जमा रखा है और पुलिस रिपोर्ट वापस लेने का पीड़िता पर दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता ने कहा कि उन्हें पता चला है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, इसी के चलते उन्हें भी न्याय मिलने की उम्मीद है। इंदौर से सतीश शर्मा के साथ इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। सर, मेरे नाना जी का मकान है करण सिंह ठाकुर का, मैं उनकी नवासी हूँ, किरण उर्फ नीलो। महीनों ने क्या मकान पर कब्जा कर रखा है। मकान पर कब्जा कर रखा है। इसकी FRI तो हो गई है, 420/67/67 की भी हो गई है, मगर वो मुझे मारने की धमकी दे रहा और बच्चियों को उठाने की धमकी दे रहा। बोला कि लड़की उनको उठा ले जाऊँगा, आप FRI वापस ले लो। कौन है, क्या नाम है? कैलाश ठाकुर, सुलक्षणा ठाकुर और अजय ठाकुर। ये नेहरू नगर गली नंबर 9 में, मकान नंबर 897, उसी मकान में रह रहे सर। आपका मकान है? ये मेरे नाना का ही मकान है भैया। कब से इन्होंने कब्जा कर रखा है? इन्होंने कब्जा 15 साल से कर रखा है और मेरी मम्मी को डराते धमकाते भी थे। मेरी मम्मी की भी डेट हो चुकी है। आप अभी कहाँ रहते हैं? मैं सहयोग नगर में रहती हूँ। मकान नंबर मकान के 5 रुपये का स्टाम्प है, उसमें इसने बोल रखा कि करण सिंह ने साइन करके दिया है मुझे, तो करण सिंह की जांच करवाई तो करण सिंह की जांच नहीं निकली है, दूसरों की जांच निकली है। मेरे नाना जी, इसने नकली दस्तावेज बना रखे हैं। आपका आरोप नकली दस्तावेज? हाँ, उसकी जांच हो चुकी है। कितना बड़ा मकान है, कितनी कीमत? मकान का 80 लाख रुपए का है, 70-80 लाख रुपए का मकान है। हाँ, 4 मंजिला मकान है। क्या साइज है मकान का? मकान 1050 जी। तो क्या आपने कहीं शिकायत नहीं की अभी तक? सब तो शिकायत करी, अभी मेरे को मारने की धमकी दी तो SP साहब, DIG साहब, IG साहब के पास परसों ही मैंने आवेदन सब दे के आई हूँ, तो TI साहब ने भी मेरी बहुत करी। MIC वाले, हाँ MIC वाले मैंने बहुत मदद करी, उसको बुलवाया, उसको समझाया, तो उसको समझ में नहीं आ रही है। वो तो बस एक ही चीज़ पे बैठा है कि मेरी FRI वापस ले ले, नहीं तो तुझे मार डालूंगा मैं। अब आप, हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।